जितना आप एक दूसरे से बात शेयर करोगे ना उतना लोग आपकी मदद। मैं आपको एक बहुत सर हमेशा वाले बोलते हैं कि पूरी दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, हर एक इंसान मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन आप उससे मदद मांगो तो सही। अपन क्या करते हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं यार लोग क्या सोचेंगे, यार लोग क्या सोचेंगे, अरे इतने ही आता क्या, इतने ही आता, ऐसे ही बोलते हैं ना कि यार ये सोचेंगे वैसे। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खुलो। एक छोटा सा एग्जांपल से अपन इस बात को समझते, एक छोटी सी वार्ता आप समझ लो, ठीक है। एक बार क्या होता है कि इंसान को बहुत बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसको जरूरत होती है पैसे की, ठीक है। अब पैसे के लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या होता है, सबको ऐसा लगता है कि लॉटरी लग जाए, होता है ना कि अपनी लॉटरी लग जाए, तो वो भगवान के सामने बैठ गया, कंटिन्यू प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, सात दिन हो गए, संडे आया, उसने अखबार देखा, न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर खोल के देखा, तो फिर निराश हो, उसका नाम ही नहीं लगा, ठीक है। उसको वो बोला तेरे तो निराश हो गया, मैंने तो भगवान ने जल्दी प्रार्थना करी, वो भी नहीं लगा। अगेन उसने बोला कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा, कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद 15 दिन, एक महीना कंटिन्यू वो भगवान की खाली प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरे को लॉटरी का टिकट लगा दे। लेकिन जब भी देखता वो निराश हो गया, लास्ट में वो थक गया, भगवान के सामने उसने हाथ जोड़े और बोला कि भगवान इतनी मैंने प्रार्थना करी, इतनी कठोर तपस्या करी है, तो भी मेरा लॉटरी का टिकट नहीं लग रहा। सडनली एक क्या हुआ बताया आपको, एकदम बिजली कट गई और ऊपर से आवाज आई कि बेटा तू पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। जब तक आप, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये छोटी सी एग्जांपल है कि आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा, इनको कैसे पता चलेगा, सबको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हम लोग आपको आगे कैसे बढ़ाएंगे। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने सपने को लिखो। सर ने इतने अच्छे ड्रीम शीट शायद सपने बनाई होगी, पता नहीं मुझे कितना लोगों ने बनाई है, कितने लोग बना रहे हैं, लेकिन एक ना अलग अर्जुन की जो आंख होती है, अर्जुन जो होता है वो बिल्कुल निशाना बिल्कुल वही होना चाहिए, कोई इस लक्ष्य तक पहुंचना है। सबके रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई ऐसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा। आज से 10 साल बाद एक्सैक्टली तुम मेरी बात याद रखना, हम सबकी बातें तुमको याद आएगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा और कोई हमारे जैसा बेकार होगा, राइट। लेकिन तब तुम ये सोचोगे, या तो तुम किसी अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो भी याद करोगे, और नहीं पहुंचोगे तो भी याद करोगे हमको कि ये सर लोग आके जो बोलते थे वो सही कहते थे। इसलिए बिल्कुल बिंदास रहो, अपने सपने शेयर करो और हर दिन क्वेश्चन पूछते रहो, और पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए रेडी है। थैंक यू, थैंक यू।